स्वागत है आपका अमेजिंग नॉलेज में। दिशा वाकाणी तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में दया बेन का किरदार निभा रही है। इनके इस किरदार को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है टेलीविजन के अलावा दया बेन ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी दया भाभी ने बॉलीवुड की कौन कौन सी फिल्म में काम किया है। सबसे पहली फिल्म है जोधा अकबर। दिशा वाकाणी की सबसे प्रमुख भूमिकाओं में से एक है आशुतोष गोवारीकर की जोधा अकबर। उन्होंने इस फिल्म में माधवी का किरदार निभाया था, जो जोधा की सेविका में से एक थी। दूसरी फिल्म है मंगल पांडे द राइजनिंग। एक अन्य ऐतिहासिक बायोपिक मंगल पांडे में दिशा की एक छोटी भूमिका थी। दिशा ने फिल्म में यास्मीन का किरदार निभाया था, लेकिन आपको तभी नजर आएगी जब फिल्म को ध्यान से देखेंगे। तीसरी फिल्म है लव स्टोरी 2050। प्रियंका चोपड़ा और हरमन बावेजा की लव स्टोरी 2050 साल 2008 में रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। दिशा वाकाणी ने इस फिल्म में मेड की भूमिका निभाई थी। चौथे फिल्म है देवदास। लगता है कि दिशा को ऐतिहासिक ड्रामा बड़े पसंद थे। उनका एक प्रोजेक्ट संजय लीला भंसारी की फिल्म देवदास का था। दिशा वाकाणी ने इस फिल्म में सखी का रोल प्ले किया था। पांचवी फिल्म है सी कंपनी। इस फिल्म के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। दिशा वाकाणी को इस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला था। इस फिल्म में दिशा ने विधवा का रोल किया था। तो यह है बॉलीवुड की ऐसी पांच मूवी जिसमें दिशा वाकाणी यानी कि दया भाभी ने काम किया है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।